नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कल देर रात से पागलनाला, टंगड़ी, पातालगंगा, गुलाबकोटी और टैयापुल और कंचनगंगा के पास बंद था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद अब खोल दिया गया है। सुबह से यहां पर तीर्थयात्री मार्ग पर फंसे हुए थे, जिन्हें अब ऋषिकेश की ओर रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल रात से बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों से बंद हो गया था, जिसकी वजह से स्थानीय लोग और तीर्थयात्री कई जगहों पर फंसे हुए थे। बद्रीनाथ धाम से 1 किलोमीटर पहले कंचनगंगा में ग्लेशियर पिघलने से उफान आ गया, जिसके बाद कंचनगंगा रूट का 50 मीटर हिस्सा मलबा की चपेट में आकर बंद हो गया। बद्रीनाथ धाम में भी लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं चमोली में ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मारवाड़ी पुल के पास देर रात भारी बारिश से लैंडस्लाइड हो गया और मलबा एक कच्चे मकान के ऊपर गिर गया, जिससे उसमें रह रहे एक नेपाली मूल के शख्स की मौत हो गई, जबकि दो लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और एक युवक को चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह मजदूर मलबे में फंसा हुआ था और एसडीआरएफ की टीम ने मलबे में फंसे 22 साल के दिनेश को बाहर निकाला। उत्तरकाशी में रात से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास मलबा आने के चलते बंद हो गया। डाबरकोट के बाद अभी भी पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, हालांकि रोड को अब खोल दिया गया है। रुद्रप्रयाग जिले के बछेंसू क्षेत्र में 12 गांवों को जोड़ने वाला फतेहपुर पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। ये पुल लंबे समय से जर्जर हालत में था और कई बार इलाके के लोग इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन पैदल पुल की प्रशासन ने किसी तरह से कोई सुध नहीं ली। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद अब ग्रामीणों को कई किलोमीटर लंबा सफर तय कर खाकरा बाजार पहुंचना पड़ रहा है। करीब 12 गांवों को जोड़ने वाला ये संपर्क पैदल पुल आज फतेहपुर के निकट जो चित्रमती गदेरे में वो टूट चुका है। ये पुल यहाँ से जो हमारे पैदल लोग हैं, कलेत, निसणी, पंडारा, दुमाणी, ढिंगणी, पौड़ी खाल, निसणी, बंगोली होते हुए खेड़ा खाल जाने का जो एकमात्र ये गदेर चित्रमती गदेरे पे पैदल पुल है, वो आज टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। और रुड़की में सोलानी नदी पर 90 लाख की लागत से बना पुल सीजन की पहली बरसात भी नहीं झेल पाया और बह गया। आपको बता दें कि सोनाली नदी पर बना पुल जर्जर होने के कारण एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, जिसमें लोगों ने पहले भी काफी विरोध किया, लेकिन जनप्रतिनिधियों और विभाग पर अब लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व मेयर गौर गोयल ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों ने अपने स्वार्थ के लिए इसका निर्माण करवाया। पौड़ी को राजधानी देहरादून से जोड़ने वाला पौड़ी देवप्रयाग स्टेट हाईवे मॉनसून सीजन में अब और बदहाल हो गया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको उसकी हालत दिखाते हैं। पौड़ी को राजधानी देहरादून से जोड़ने वाला पौड़ी देवप्रयाग स्टेट हाईवे के हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। ये स्टेट हाईवे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के टनल निर्माण कार्य का खामियाजा बीते कई सालों से भुगत रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी हैवी मशीन हाईवे से गुजर रही है, जिससे स्टेट हाईवे का डामरीकरण पूरी तरह से उखड़ चुका है और मॉनसून सीजन में अब ये सड़क कई जगह दलदल में तब्दील हो चुकी है और सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं और इस रोड पर गाड़ी चलाना किसी खतरे से कम नहीं। ऐसे में अधिकतर ड्राइवर पौड़ी जाने से पहले श्रीनगर जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 15 किलोमीटर का अधिक सफर तय करना पड़ रहा है। देखिए, जिस व्यक्ति के पास अपना निजी वाहन है वो श्रीनगर के रास्ते राजधानी की तरफ जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति किराए के वाहन से जाएगा, जिसके पास अपना वाहन नहीं होगा, उसे इसी रोड से जाना पड़ेगा। और जो असुविधाएं वहां पर हो रही हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिन गड्ढों में गाड़ी उतरने से किसी को शारीरिक रूप से क्षति पहुंच रही है, किसी का वाहन क्षतिग्रस्त वहां पर हो रहा है,
वो आम जनता को झेलना पड़ रहा है। देखिए टू व्हीलर तो वहाँ जाने लायक ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहले भी एक्सीडेंट हो चुके हैं। टू व्हीलर मतलब अब इतने बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर रोड में हो गए हैं, अगर टू व्हीलर वहाँ जाता है तो वैसे ही गिर के किसी का पैर फ्रैक्चर हो रहा है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो रहा है, तो टू व्हीलर तो वहाँ जाने लायक नहीं है। और जो अन्य फोर व्हीलर गाड़ियाँ भी जाते हैं तो उनके अंजर पंजर वैसे ही आने जाने में ढीले हो जाते हैं। वहीं डीएम पौड़ी का कहना है कि बदहाल हाईवे की हालत सुधारने के लिए 16 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और रेल प्रोजेक्ट में लगी कंपनी को पहले ही एक नोटिस दी जा चुकी है। वर्तमान में उनका लगभग 16 करोड़ रुपए के आसपास का एस्टिमेट सैंक्शन हो गया, कुछ हिस्से की पेंटिंग कर दी गई है और अभी मेरे द्वारा एक और नोटिस दिया गया जिसमें जो उड़ने वाली धूल है उस धूल को कंट्रोल किए जाने और लगातार पानी के छिड़काव और जल्दी से जो ये कार्य है उसको समाप्त किए जाने या पूर्ण किए जाने के विषय में उन्हें निर्देशित किया गया। स्टेट हाईवे की बदहाली पर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हाईवे की खस्ता हालत बरकरार है और मॉनसून सीजन में स्टेट हाईवे बड़े खतरे को न्योता दे रहा है। पौड़ी से न्यूज 18 के लिए आलोक रावत की रिपोर्ट। प्रदेश में सरकार द्वारा लगातार सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, लेकिन बागेश्वर के उच्च हिमालय क्षेत्र के सुंदर दुंगा ग्लेशियर में एक बाबा द्वारा सरकारी जमीन पर एक भव्य मंदिर बना लिया गया। ना पुलिस ना ही प्रशासन को इसकी भनक लगी। बाबा ने 5000 मीटर में मंदिर बनवा दिया, मंदिर पूरा भी हो गया, लेकिन अभी तक बाबा कहाँ से आए और कहाँ के रहने वाले हैं इसका किसी को पता ही नहीं है। मामला तब उजागर हुआ जब स्थानीय लोगों ने इस पवित्र मंदिर का कुंड के पास बनाने का विरोध किया, तब सारा मामला उजागर हो गया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि कपकोट में 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देवीकुंड में एक युवक जो खुद को संत बता रहा है, उसके द्वारा देवीकुंड में स्नान किया गया, जिस पर दानपुर समिति और बदियाकोट क्षेत्र के ग्रामीणों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बताया कि देवीकुंड एक पवित्र कुंड है जिसमें देवी माँ स्नान करती हैं, उस स्थान में नहाना तो दूर पानी भी नहीं पी सकते हैं। कपकोट क्षेत्र के ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात कर देवीकुंड की पवित्रता बनाए रखने की मांग की और साथ ही आस्था को ठेस पहुंचाने वाले आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हम जो बाबा जी ने वहाँ पे जो प्रयास किया है वहाँ पे कुंड में नहाने की, और उसके लिए हम बहुत ही विरोध में हैं। वहाँ पे जो कुंड है उस पे छेड़छाड़ न करें, वो खाली देवी उसमें वहाँ पे स्नान करती है और कोई नहीं करते हैं। बाबा जी वहाँ जाके स्नान कर रहे हैं और उस कुंड में छेड़छाड़ कर रहे हैं। वहाँ पे मंदिर बना रखा है और जो वहाँ पे नहा रहे हैं उसके लिए हम बहुत ही वहाँ पे पूरी क्षेत्र जो हमारे मल्ला दानपुर जो आस्था हमारी जुड़ी है। समिति के द्वारा अवगत कराया गया था कि एक बाबा जी हैं जिन्होंने देवी कुंड में स्नान किया और वहाँ पर एक मंदिर का भी निर्माण करा रहे हैं, तो इस बात से ग्रामीण बड़े आक्रोशित थे और उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया गया था। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें फॉरेस्ट भी है, हमारा रेवेन्यू विभाग भी और पुलिस विभाग भी है, और इस बात की जाँच की जाएगी कि वो मंदिर का निर्माण सरकारी भूमि पर है या किसी की प्राइवेट भूमि पर अवैध निर्माण हुआ या क्या हुआ, उसकी पूरी जाँच की जा रही है। राज्यभर में आज लोकपर्व हरेला मनाया जा रहा है। मालदेवता में वन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल और सांसद नरेश बंसल ने भी पौधारोपण किया। इसके साथ ही राज्य में हरेला पर्व शुरू हो गया है। पूरे राज्य में 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का और प्रकृति के पूजन का एक महापर्व है और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे, और आज के दिन, आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और मैं सभी से अपील करता हूं पूरे राज्य के अंदर कि अपने आसपास 5 पौधे जरूर, उन 5 हमारे वीर शहीदों के नाम रोपित करें,
जिससे कि आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियां उन सब का स्मरण कर पाए, उनको अपने स्मरण में रख पाए, उनसे प्रेरणा लेकर देश की सेवा कर पाए। हरियाणा में स्पेशली 50 लाख पेड़ों का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर के जो आज से शुरुआत होती है प्लांटेशन की, 1,14,00,000 प्लांटेशन का और 50 लाख हरियाणा के माध्यम से कुल 1,64,00,000 पेड़ लगाने का हम लोगों ने इस बार लक्ष्य रखा है। और जो भारत सरकार की एक थीम है, जिसको कि विगत वर्ष हमने भी शुरू किया था, कि कोई बच्चा अगर अपने पूर्वजों के नाम, अपने माँ बाप के नाम पेड़ लगाना चाहता है तो अच्छा है कि भारत सरकार ने एक थीम दी है, एक पेड़ माँ के नाम। तो उत्तराखंड में आज पर्यावरण के प्रति लोक पर्व हरेला का दिन है। एक तरफ जहां घरों में बांस या फिर रिंगाल की टोकरियों में बोए गए हरेले को लोग काटते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज के दिन पेड़ लगाने का भी अपना एक अलग महत्व होता है। ये माना जाता है कि आज के दिन जो भी पेड़ लगाया जाता है उसका हरा भरा होना तय होता है। ऐसे में आज के दिन विशेष तौर पर कुमाऊं के इलाके में फलदार पेड़ पौधे लगाने का सदियों से चलन है। दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर भी आज जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पास के जंगलों में आज हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। वन विभाग, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन सहित तमाम विभागों ने हरेला पर्व पर पौधारोपण किया। पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कहा था कि एक पौधे का रोपण अपनी मां के नाम पर अवश्य करें। इसी लक्ष्य को लेकर इस साल हरेला पर 1,00,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य है। हरेला पर्व पर जिले की सभी वन रेंज में 1,00,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया। हमें करीबन हमारे जनपद में 60 से ज़्यादा हरेला वनों की स्थापना की गई है, जिनमें कि अगले 5 सालों में ही वनीकरण होना है। ये NIM के जिस क्षेत्र में हम लोग इस समय वनीकरण कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा पिछले साल भी हमने यहाँ पर पौध रोपे थे, तो अगले 5 सालों तक रोप करके इसको हरेला वन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आज प्रदेश में हरेला पर्व बड़ो ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान जगह जगह पौधारोपण की तस्वीर भी सामने आ रही है। कालसी वन प्रभाग की टीमली रेंज में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। वहीं चक्राता वन प्रभाग रामपुर मंडी के परिसर में भी पौधारोपण हुआ। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने हजारों की संख्या में पौधे लगाए। हमारे द्वारा हरेला पर्व के अवसर पर विभिन्न साइट सिलेक्शन किया गया है, जहाँ पर कि आज हमारे द्वारा स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के जनमानस में रचा बसा आस्था के प्रतीक का पर्व हरेला न सिर्फ त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, बल्कि किसानों से भी जुड़ा हुआ है। प्रकृति संरक्षण के रूप में मनाए जाने वाले पर्व की समूचे पहाड़ में धूम देखने को मिल रही है। हरेला यानी हरियाली का पर्व, जी हाँ, उत्तराखंड की वो परंपरा है जो आम जनमानस की आस्था और रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है। शहर से लेकर गांव तक में हरेला मनाया जा रहा है। 10 दिन की देखरेख के बाद हरेले को विधि विधान से पूजा गया, जिसके बाद काटा गया। सबसे पहले भगवान को चढ़ाने के साथ बड़े बुजुर्गों ने अपने बच्चों को हरेला लगाया और लंबी उम्र की कामना की। पहाड़ में त्योहारों का आगाज करने वाले इस पर्व पर पकवान भी बनाए जाते हैं, तो रिश्तेदारों को भी हरेला डाक से भेजने की परंपरा है। ऐसा है कि हम लोग डाक से, जो दूर हमारे बच्चे रहते हैं, चाहे कहीं भी हो, बाहर हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, हम उसको हरेले को सुखा देते हैं। सुखा के कुछ टाइम बाद उसको जब सूख जाता है तो हम लिफाफों में डाल के उसे भेजते हैं बच्चों के लिए। आज हमारे कुमाऊं में हरियाव तैयार छो, हमारे घरों में सब नानठूल हरियाव पूजवे एक दूसरे के यही आशीर्वाद दिनी कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुमको सद्बुद्धि आओ, विश्व में कल्याण हो, शांति हो। हरेला उत्तराखंड में मनाए जाने वाला पर्व है जो पर्यावरण और किसानों से जुड़ा है। इस पर्व के दौरान 10 दिन पहले घरों में 5 प्रकार के अनाज, गेहूं, जौ, मक्का, गेहूं, सरसों को बोया जाता है, जिसमें जल चढ़ाकर घरों में रोजाना इसकी पूजा की जाती है। किसान भी इस दौरान अपनी खेती की फसल की पैदावार का भी अनुमान लगाते हैं। इतना ही नहीं, इस त्योहार को ऋतु परिवर्तन के साथ भगवान शिव के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान हरी टहनी भी रोप दे तो वो भी फलने लगती है। कृषि के साथ जुड़ा हुआ पर्व है हमारे। ये जो गर्मी की ऋतु है, जो इस गर्मी की ऋतु में जो वनस्पति जल जाती है,
जो वनस्पति गर्मी से मर जाती है उसके पुनर्जीवित होने का भी यह लोक पर्व है। और किसान जो है इसी माध्यम से भूमि परीक्षण करते हैं इन सतनाजों को बो करके कि आने वाली फसल कैसी होगी, उसका अनुमान जो है इनके उगे हुए तृणों को देखकर कर लेते हैं। पहाड़ में हरेला अपने साथ उत्सव और मेलों को भी लेकर आता है। हरेला लोगों को अपनी मिट्टी से जोड़े हुए है और उम्मीद है कि आगे भी हरेला की ये परंपरा इसी तरह बढ़ती रहेगी। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से कहा है कि मामले में कांग्रेस बेवजह इस पर राजनीति कर रही है, क्योंकि केदारनाथ धाम सिर्फ एक है और कहीं नहीं हो सकता है, लेकिन मंदिर तो बनते रहते हैं। के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है, जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ नहीं हो सकता है, मंदाकिनी सरस्वती के तट पर उसके बीच में जो हमारा धाम है जहां पूरे देश दुनिया की आस्था है वही धाम है, अन्य स्थानों पर मंदिर बनते रहे मंदिर बनते रहेंगे। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अपने विरोध और प्रदर्शन को स्थगित करने का फैसला किया है। दिल्ली के बुराड़ी में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर के नाम पर तीर्थ पुरोहितों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद मंगलवार को केदार सभा के अध्यक्ष की सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात हुई और कहा कि सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड के मामले पर कड़ा स्टैंड लिया था और अब मंदिर के विषय में भी सीएम ने आश्वासन दिया है कि केदारनाथ धाम गरिमा बनी रहेगी। जो बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनने वाला था उसके संदर्भ में कल हमारे केदार सभा अध्यक्ष पंडित राजकुमार तिवारी जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और उस वार्ता में हमें आश्वासन दिया गया है कि ये जो मंदिर है इसका स्वरूप और इसके नाम पर पुनर्विचार होगा और इसका नाम बदला जाएगा। पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड में हमारा जो सहयोग दिया था उसी के आधार पर आज हम इस आंदोलन को फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।